आज आपको तो में डेटा का एक मजेदार ट्रिक सिखाता हूँ जब मैं फ्रूट सेलेक्ट करूँ तो आइटम लिस्ट में ऑप्शन तो है जब मैं यहाँ वेजिटेबल से तो सिर्फ वेजिटेबल के ऑप्शन है और अगर मैं यहाँ सेल्स सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ सेल्स का ऑप्शन है तो आइए जानते हैं ये हमने कैसे किया लिया पर डेटा की लिस्ट है इसके अंदर फ्रूट के और यहाँ सेरल्स है तो सबसे पहले इनकी जो हेडिंग है इसको एक अलग कॉलम में यहाँ पेश कर लिया स्पेशल ट्रांसपोर्ट इनको मैंने सेलेक्ट किया इनका नाम लेफ्ट से मुझे रखना था आइटम तो जो मुझे एडिंग कर थी तो वो कॉपी की पूरा डेटा सेलेक्ट किया राइट क्लिक फॉर्मेट डिफाइन नेम डिफाइन नेम में इसको दे दिया मैंने आइटम ओके सेम ये फ्रूट की कैटेगरी है तो फ्रूट के जितने भी नाम है सेलेक्ट किए डिफाइन नेम इसको दे दिया फ्रूट सेम सेमल जो वेजिटेबल्स है इनको सेलेक्ट किया डिफाइन नेम में ने उसको नाम दे दिया वेजिटेबल सेल्स को सेलेक्ट किया और इसको हमने डिफाइन नेम में दे दिया सेल्स देख चीज़ तो ऑल्ट ए वी वी डेटा बेडिशन यहाँ से हमसे करेंगे लिस्ट इक्वल टू क्या आइटम की लिस्ट का नाम दिया था इसका हमने नाम दिया था आइटम सेलेक्ट किया ये देखिए आइटम की लिस्ट आ गई अब मुझे जो आइटम की लिस्ट है उसे रिलेटेड लिस्ट है दोबारा यहाँ मैं पेड़ लिखाऊंगा और एम शॉर्टकट या लिस्ट यहाँ पे जो ठीक है वो है इनडायरेक्ट ओके मुझे चाहिए जैसे बी फोर में जो भी बी फोर में हो उसी से रिलेटेड लिस्ट आए जैसे देखिए वेजिटेबल है तो सिर्फ वेजिटेबल कॉपी आ रहा है इस वजह नीचे कॉपी किया अगर यहाँ फूट रहा है तो उसे फूट कॉपी लगे और अगर यहाँ से तो सिर्फ सभी है तब तक हमारे चैनल शिक्षा को लाइक सब्सक्राइब करें और बाय तक प्रेस करके भरना पड़े ताकि आने वाले जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें